मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। अपनी बदहाली पर आंसू बहाती उर्दू स्कूल, सुराखों से भरी हवा से हिलती, अब गिरेगी तब गिरेगी, न जाने कब गिरेगी, कमजोर छत हो जाए कब किसकी मौत, पूछिए मत। ये उजड़ी हुई रंगों को तरसती दीवारें, न जाने कहाँ खो गई बहारें, बंद रहकर भी खुले हुए दरवाजे, धूल से सहने फर्श पर परिंदों की परवाजें, ये टूटे हुए कंपाउंड का मलबा, ये है एक उर्दू स्कूल का जलवा। पास ही में कूड़े करकट से उड़ती हुई सीलन भरी बदबू, न बैठने को बेंच न पीने को पानी, एक उर्दू स्कूल की है ये कहानी। सियासी सामाजिक कारकनान पोषक अधिकारी प्रशासन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। शिमोगा के बाहरी इलाके में स्थित न्यू मंडली की एक प्राइमरी उर्दू स्कूल का मंजर है ये। एक से लेकर सातवीं कक्षा तक यहाँ क्लासें चलती हैं। स्कूल की खस्ता हालत को देखते हुए बच्चों की संख्या 150 से घटकर 70 को पहुँच गई है। कई बार अधिकारियों से निवेदन करने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कह रहे हैं कि स्थानीय निवासी रियाज अहमद मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा को साफ रखने वाले लोग पता नहीं क्यों स्कूल को अनदेखा कर रहे हैं। कहा पत्नी को छेड़ने पर आपत्ति जताई तो व्यक्ति का कत्ल। अपनी पत्नी को छेड़ने पर जब पति ने सवाल किया तो दो दुष्कर्मियों ने पति का किया कत्ल। ये घटना बेंगलुरु गोपाल नगर के हैगन हल्डी के पास घटी है। मंडिया मूल के उमेश बेंगलुरु में आकर कबाब और एग राइस की गाड़ी लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे। ये दुष्कर्मी उमेश की पत्नी को छेड़ रहे थे। इससे पहले भी इनके बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। कल रात बाइक पर आए दुष्कर्मी तेज धार हथियारों से उमेश पर हमला कर दिया, जिसके चलते उमेश की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने गोपाल नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष स्थान के लिए मैं भी काबिल हूं, अप्पा साहब पट्टन शेट्टी। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सचिव अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने नगर विधायक बसंत गौड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यहां कोई भी डायनामिक नहीं है, हमारा पक्ष ही डायनामिक है। अगर आला कमान मुझे राज्य अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मुझे अध्यक्ष बनाया गया तो बीजेपी का यह ऐतिहासिक निर्णय होगा, कहा अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने। गुलबर्गा सरकारी अस्पताल में पानी के लिए हाहाकार। गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS गवर्नमेंट अस्पताल में मरीज पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल के अटेंडर को 40 रुपये देकर पानी खरीद कर पी रहे हैं मरीज। कुछ वार्ड में ये हालत है कि टॉयलेट को जाने भी पानी नहीं है। सारे मरीज परेशान हैं। सरकारी अस्पताल में गरीब मरीज आते हैं जिनके पास गोलियाँ खरीदने के लिए भी रुपये नहीं होते। लोगों का कहना है कि सारे सियासी लीडर चुनाव में मसरूफ हैं, मरीजों के जीने मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्पताल के डॉक्टर संदीप ने बताया कि पानी का मसला पिछले एक महीने से चल रहा है। कुल अस्पताल को करीब 2,50,000 लीटर पानी की दरकार है, अब तक इतना पानी उपलब्ध नहीं किया गया। PG में महिला ने लगा ली फांसी। बेंगलुरु निवासी 24 साला गीता ने मैसूर के सरस्वतीपुरम के PG में आत्महत्या कर ली। बेंगलुरु के एक युवक से लव मैरिज करने वाली गीता एक मोबाइल के दुकान में काम करती थी। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। मामला सरस्वतीपुरम पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। बुलेरो पिकअप वाहन पलटी, व्यक्ति की मौत। रास्ता क्रॉस कर रहे व्यक्ति पर बुलेरो वाहन पलटी होने की घटना बेंगलुरु ग्रामांतर होसकोटे के यडगोंडन हल्ली में घटी है, जिसमें 55 साल मुनियप्पा बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय इनकी मौत हो गई। बुलेरो वाहन चालक फरार हुआ है। अनुगोंडन हल्ली पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
बीजेपी की सरकार बनती है और येडियुरप्पा सीएम बनेंगे तो मैं उनके घर का एक दिन वॉचमैन का काम करूंगा। जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है, बीजेपी को हारने का डर है, इसलिए ये मनमानी बातें कर रहे हैं। एक साल से साझा सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, मगर गठबंधन के तहत हमने 5 साल के लिए कुमार स्वामी को सीएम बनाया है, कहा जमीर अहमद खान ने। सिद्धरामैया पागल हैं, केएस ईश्वरप्पा। आज बीजापुर में बीजेपी के पूर्व डीसीएम केएस ईश्वरप्पा ने बताया कि कांग्रेस में कोई पूछने वाला नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही सीएम बनूंगा कहकर पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं सिद्धरामैया। जमीर अहमद वॉचमैन बनने की बात कर रहे हैं, ऐसों को वॉचमैन न रखने की येडियुरप्पा को सलाह दूंगा, कहा ईश्वरप्पा ने। ऐसे आएंगे तो सुरक्षा और बढ़ानी पड़ेगी। बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि ये एक और पागल हैं, कहा ईश्वरप्पा ने। गौरी लंकेश कत्ल मामला, आरोपियों को जेल में तकलीफ देने का आरोप। गौरी लंकेश कत्ल मामले में एसआईटी ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के वकील अमरतेश ने जेल अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि आरोपियों को जेल में तकलीफ दी जा रही है, 2x8 फुट के बैरेक्स में रखा है, वहीं टॉयलेट भी है, पीने के पानी का भी वहीं इंतजाम है, जिससे आरोपियों को बड़ी परेशानी हो रही है, कहा। मगर जिला अधिकारी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जेल में अच्छी सुविधाएं हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।